देखिए बच्चा रियल नंबर पढ़ाने जा रहे हैं, रियल नंबर तो बहुत इसके अंदर बहुत सारा चीज है, लेकिन पहले जूनियर में पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, सब पढ़ चुके हैं। तो टेंथ के स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं। टेंथ में रियल नंबर के अंदर पहला है इक्वली डिविजन लेमा। इक्वली डिविजन लेमा क्या है इसके बारे में सुनने में नया नाम लगता है, लेकिन है एक पहले पढ़ चुके हैं आप जूनियर सेक्शन में, लेकिन नाम जो बदल दिया इक्वली डिविजन लेमा, इसके चलते कंफ्यूज कर रहे होंगे, बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए इक्वली डिविजन लेमा और इसका दूसरा नाम है, इसी को कहते हैं इक्वली डिविजन एल्गोरिथम। इक्वली डिविजन लेमा जो ऐसे डिफिनेशन देता है, प्रोसेस को देता है, रूल देता है, और इक्वली डिविजन लेमा जो ऐसे उस प्रोसेस को यानी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन के लिए बताता है, उसको हम इक्वली डिविजन एल्गोरिथम कहते हैं। स्टेप देता है सोल्यूशन का, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का प्रोसेस देता है, उसको इक्वली डिविजन एल्गोरिथम कहते हैं। इक्वली डिविजन लेमा ये रूल है, प्रोसेस है, थ्योरम है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वली डिविजन लेमा। तो देखिए इक्वली डिविजन लेमा कहता है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक होल नंबर नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो से बड़ा होता है आर इक्वल हो सकता है एक बी से छोटा होता है। ये आपका इक्वली डिविजन लेमा का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है थ्योरम हुआ। तो ये आपका इक्वली डिविजन लेमा है। तो इक्वली डिविजन फिर से ध्यान दीजिए, इक्वली डिविजन लेमा कहता है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव नंबर, यह दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है ए एंड बी और देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर आता है सच दैट ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होता है जीरो हो या जीरो से इक्वल हो, उससे बड़ा हो लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है, यह है रियल में। क्या से ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग जूनियर में पढ़े होंगे ए जो आपका है डिविडेंड है, डिविडेंड ए डिविडेंड है, बी डिविजर होता है, क्यू कोसेंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। अब देखिए जो क्लियर किए एबीसी ए बी क्यू आर क्या है से, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि ए डिविडेंड है, बी डिविजर है, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर है। तो डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट, रिमाइंडर आप बहुत जूनियर से पढ़ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स से पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को फिफ्थ में पढ़े होंगे इसी चीज को। ए के मतलब देखिए पुट कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये इक्वली डिविजन लेमा है। देखिए तो ये चीज आप ध्यान दीजिए, ये आपको बताने के बाद याद आ गया होगा कि हाँ ये पढ़े हैं पहले जूनियर में। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को इक्वली डिविजन लेमा कहते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट आ गया, स्टैंडर्ड आ गया, जूनियर में डायरेक्ट ये पढ़ाया जाता है, इस रूप में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए आपको ए समझ में आ रहा होगा, ए आपको दिक्कत हो रही होगी लेकिन क्लियर है, तब लिख दिया समझ में आ गया होगा। तो देखिए इक्वली डिविजन लेमा ही कहता है कि टू नंबर इंटीजर्स होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, जब आएगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है और कोई यूनिक होल नंबर है जो क्यू और आर है, यूनिक है, यूनिक होता है, यानी जीरो से आर का वैल्यू बड़ा हो या जीरो हो या बी से यानी डिविजर से आर का वैल्यू छोटा होता है। तो इस तरह से आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आ गया। अब ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आपको समझा दिए क्लियर। अब देखिए डिजिट लेके चलेंगे तो और क्लियर होगा। आप जैसे कोई नंबर ले लीजिए 29 डिवाइड 5 कर लीजिए तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए 25 को 29 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 या 25 आ गया, 4 आ गया, तो इसको हम लोग 29 डिवाइड 5, तो अब इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू 29 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 आ गया और प्लस 4, देखिए 5 टू 5 25 और 4 जोड़े तो 29 आ गया। तो 29 को डिवाइड किए तो आपका
इसको मिक्स नंबर में भी लिखते हैं 5/4/5 इस तरह से, लेकिन यहाँ पर जो होगा डिविजन से डिविजन स्टार टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आ गया, एग्जाम्पल हुआ, इस तरह से हम लोग डिवाइड करके इसको सेट कर लेंगे डब्ल्यू डिविजन नेमा में सेट हो जाएगा। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए, दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा। अब मान लिया कि कोई एक से बड़ा नंबर लेते हैं, अब लेते हैं जैसे 109, इससे डिवाइड कर रहे हैं 15 से। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसमें आ जाएगा 109/15, तो इसका रिमाइंडर पे डिवाइड कीजिए 7/4 आ गया, इसमें आ गया 7/4/15। आप इसको इक्विट में निर्माण में लिखेंगे तो जाएगा 109/7/15 हो गया 15, क्वेश्चन आ गया आपका 7 और रिमाइंडर हो गया 4। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसको इक्विट में निर्माण को इस रूप में लिख रहे हैं, तो एक पहले से पढ़ा हुआ चीज है ये दोनों, लेकिन उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपका इक्विटी डिविजन नेमा में कन्वर्ट हो रहा है। इतना आपको बताया, अब बताने जा रहे हैं कि इक्विटी डिविजन नेमा का अप्लाई करके एचसीएफ कैसे निकलता है, हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग इक्विटी डिविजन नेमा। इसके बाद अब ये बताने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन हो गया कि कोई नंबर है जिसका इक्विटी डिविजन नेमा से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने में इक्विटी डिविजन नेमा का प्रयोग होगा, उसको अब देखिए ध्यान दीजिए। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन है कि यूजिंग इक्विटी डिविजन नेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198। तो इक्विटी डिविजन नेमा का उपयोग करके हम वो कैसे बनाएंगे, तो पहले आप सिंपल इसको बना लीजिएगा। एचसीएफ पहले से मालूम है 144 को डिवाइड करते हैं 198 से, एक बार में लग गया 144, 4 हो गया, मेरा 5 कैंसिल, फिर जब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक वह रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, तो ये लग गया 2 बार में, ये लग गया 6, ये हो गया 3, फिर हो जाएगा 54, फिर लग जाएगा एक बार में ये 18 बचेगा, 36 2 बार में 36, देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया, एचसीएफ भी होता है, निकाल चुके हैं, ये पहले जुड़े में पढ़ चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे बनाकर समझाएंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि डिविजन नेमा से पहले इसको कर लेना है, तब आप देखो सेट करिए डिविजन नेमा पर। तो डिविजन नेमा में पढ़े होंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए तुरंत प्राइम डिविजन नेमा, तो डिविजन में डिविडेंड आपको यहां आ गया 198, डिविजन हो गया 144, कोसेंट हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 54। देखिए सेट कर देना है, ये डिविडेंड होता है, ये आपका होता है डिविजन, ये होता है कोसेंट, ये होता है रिमाइंडर, तो आपको सेट कर देना है। डिविजन हो गया 144, कोसेंट हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 54। अब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 144 डिविडेंड हो जाएगा, ये जो हो जाता है फिर डिविडेंड हो जाता है, 54 आपका डिविजन हो जाएगा, 2 कोसेंट आया, रिमाइंडर आ गया 36। अब थर्ड स्टेप में फिर से ध्यान दीजिए, अब यह हो जाएगा आपका डिविडेंड 54, डिविजन हो जाएगा 36, रिमाइंडर होता है डिविजन होता जाता है, फिर 1 आ गया कोसेंट, फिर रिमाइंडर हो गया 18, फिर 36 आ गया, 18 हो जाएगा डिविजन इंटू 2 रिमाइंडर 0। देखिए रिमाइंडर 0 आया, तो यहां जो स्टेप होता है एचसीएफ होता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ इज इक्वल टू 18। देखिए हो गया प्रयोग करके, ए आपको बना लेने के बाद इसको सेट करना आसान होता है, डायरेक्ट बनाएगा तो उसका दिक्कत हो,
तो इसलिए उसको डिवाइड पहले मीटर से बना लीजिए, उसको इसमें सेट कर लीजिए, तो ऐसे बनाने से आसानी से हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम लेमा का अप्लाई इस तरह से होता है, एचसीएफ लास्ट में रिमाइंडर आएगा, उसके जो डिविजन होगा वही आपका एचसीएफ होता है, जो अंडरलाइन किए हैं। ये आपका रिमाइंडर जीरो आ गया, तो इसका एचसीएफ हो गया 18। तो इक्विलिब्रियम लेमा के द्वारा एचसीएफ इस मीटर से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। आप दूसरा नंबर भी बना सकते हैं इस तरह से एग्जाम्पल लेकर के, अपने मन से भी बना सकते हैं, बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको इक्विलिब्रियम लेमा के द्वारा एचसीएफ निकालना सिखा दिए। तो इक्विलिब्रियम लेमा यही है, सुनने में नया लगता है लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं, जूनियर में ही पढ़े होंगे एचसीएफ निकालने के लिए, 7-6 में ही पढ़े हैं, 7-6 में ही। तो उसी चीज को अप्लाई कर देना, यानी स्टैंडर्ड मेथड में। तो स्टैंडर्ड मेथड में अप्लाई करने के लिए इक्विलिब्रियम लेमा के द्वारा इस तरह से एचसीएफ निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।